छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के केएसके महानदी वर्धा पावर लिमिटेड में श्रमिक मजदूर भू विस्थापित किसान प्रभावित गांव वालों के हमसे छत्तीसगढ़ पावर मजदूर संघ ने मांगों को लेकर धरना दिया। गुस्साए संघ के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक भू विस्थापितों का समाधान नहीं हो जाता तब तक प्रभावित गांवों में मतदान नहीं कराए जाएंगे। शुक्रवार को आंदोलन कर रहे संघ को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक दुबे ने आंदोलनकारियों के समर्थन में कारखाना प्रबंधक और प्रशासन को लिखित में ज्ञापन देते हुए कहा कि 72 घंटों तक आदर्श पुनर्वास नीति 2007-08 के अनुसार भू विस्थापितों को रोजगार निकाले जाए गए श्रमिकों के निःशर्त वापिस सहित किए गए मूलतः सुविधाओं के वादों पर अमल किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक भू विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक प्रभावित गांवों में से त्रिस्तरीय चुनाव के बहिष्कार करने का ऐलान किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद विधायक व प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर एसडीएम और तहसीलदार निवास का घेराव कर उन्हें उनके अधिकार बताकर पुष्पगुच्छ और त्रिफल भेंट की जाएगी। रायपुर छत्तीसगढ़ से संवाददाता प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। आप बोला भैया दलाली कैसे है, तो दलाली ऐसे है कि आज जनता रोड में है तो मौज में हो तो दलाली है ना। अगर हमारे विधायक मौज बना रहे हैं और हम रोड में हैं तो दलाली है। अगर हमारे सांसद मौज बना रहे हैं हम रोड में हैं तो दलाली है। अगर हमारे जिला पंचायत सदस्य मौज बना रहे हैं हम रोड में हैं तो दलाली है। खाली दलाली को दलाली नहीं करते, दलाली उसको भी करते हैं जो जनता के हित में खड़े नहीं होते। आप लोग मन से कर्म से और वचन से आज यह मान के चलो कि आपके मजदूर संघ के साथ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के वो धड़ा खड़ा है जो कांग्रेस पार्टी का है, न कि कोई एनजीओ है, न कोई दलाल है। और आप मुझे समर्थन करो, मेरा साथ दो, मैं आपको वचन देता हूँ एक भी भू स्थापित भाइयों के अहित होने नहीं दूंगा। स्थिति वो पैदा किया जाएगा कि कलेक्टर सांसद और विधायक यहाँ पे आके पूछे आखिर हम चाहते क्या हैं। हम उसके पास नहीं जाएंगे हाथ जोड़ने, अब जाएंगे उसको फूल और माला देने कि आप अच्छा कर रहे हो और दलाली कराओ। पैसे की कमी है, कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, जूता नहीं है, तुम्हारे गाड़ी में डीजल नहीं है, हम लोग चंदा करके उनको पैसा देंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से आज प्रशासन के आदमियों को, चाहे पुलिस वाला हो या वर्धा पावर प्लांट का हो, अगर मेरे नौजवान भाई हो थोड़ा किनारे आ जाओ, आप लोगों का ड्यूटी लगाए तो नौजवान भाइयों थोड़ा आ जाओ, मेरी बात का वीडियो बनाओ और कलेक्टर साहब को दिखाओ कि दीपक दुबे आया था और ये चैलेंज करके गया है। क्या इनके साथ मेरे लिए भी जगह बना देना जिस जेल में बनाए गए, और उनको बताओ कि 3 दिवस के अंदर भी अगर स्वयं कलेक्टर साहब यहाँ पे नहीं आते हैं तो मैं दीपक दुबे उन 10 गांव में इनके साथ घूम घूम कर ग्रामवासियों को जागृत, हम अपने गांव में उस वोट का बहिष्कार करेंगे, न जिला पंचायत के सदस्यों को वोट करेंगे, न जनपद सदस्यों को वोट करेंगे, न पंच और सरपंच को वोट करेंगे। जिसको वोट चाहिए इन 10-11 गांव से वो यहाँ आए, हमें समर्थन करे और बताए कि हम चुनाव जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे। खाली हम किसान या मतदाता वोट देने के लिए नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं अगर 3 दिवस के अंदर वर्धा पावर प्लांट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे कलेक्टर पाठक महोदय हैं, वो अगर हमारी बात को नहीं समझते हैं तो आप लोग मेरे साथ क्षेत्रीय विधायक का घेराव करना, मैं अगुवाई करूंगा, मेरे पीछे खड़े रहना, मैं देखूंगा सौरभ सिंह को कि कैसे हमारे 10 गांव में आगामी वोट लेने आएगा, उसके घर का घेराव करेंगे, उसको गुलदस्ता देंगे, फूल देंगे और बोलेंगे लूट सको लूट लो ठाकुर साहब,
आपके बाप दादाओं ने इतना पुण्य आपके लिए जोड़ के गया है, अगर कम पड़ता है आप आओ उठो, हम आपके साथ आपको एक बड़ी राय बढ़ाए। द्वारा आपकी नीति था बोला पावर प्लांट को लूटने का, मजदूरों का शोषण करने का, आपको चुनाव हरवाए, लेकिन आपने हमारे भू स्थापितों को हाथ पर जोड़े, हमारे भू स्थापितों के लिए काम करूंगा कहा कि आप वचन दिए, आपको विधायक बनाए, और आज आपको गुलदस्ता भेंट करके जा रहे हैं। आप लूटाओ जितने हो सके लूटाओ, आपको लूटने के लिए तो बनाए हैं, लेकिन 5 साल बाद फिर वोट के लिए मत आना, अपने किसी जनप्रतिनिधि के वोट मांगने मत आना। हम लोग सांसद का घेराव करेंगे यहीं से। अगर वर्धा पावर प्लांट के कोई लोग सुन रहे हैं मेरी बात को सुन लो, वर्धा पावर प्लांट में मैं भू स्थापितों के लिए सन 2011-12 में विधायक से सांसद के घर का घेराव किया था, तब कहीं जाके वर्धा पावर प्लांट के भू स्थापितों को रोजगार मिला, नौकरी मिला, आज फिर वही स्थिति पैदा हो गई है। आप मेरे साथ दो, मैं आपके साथ हर सांसद और विधायक का घर का घेराव करूंगा जो मेरे भू स्थापित मजदूरों के शोषण कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया दलाली कैसे है, तो दलाली ऐसे है कि आज जनता रोड में है। JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।